हेलो, नमस्ते, जय माता दी। मेरा नाम है रूबी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी है सुबह सुबह का समय, तो कल शाम को जो मैंने शाम को नहीं दोपहर को जो कपड़े धो करके डाले थे ना, वो सारे कपड़े मैं हटा रही हूँ। वैसे रात भर इनमें होश पड़ा हुआ है, तो इन सबको अभी मैं जो पन्नी के नीचे कपड़े ढक करके रख देती हूँ ना, वहाँ नहीं रखूँगी, ऐसे ही धूप के सामने डाल दूँगी, ताकि इसके अंदर जो होश है ना, जो कपड़े गीले हो गए हैं होश की वजह से, वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा होश पड़ती है। जो मेरे कपड़े यहाँ पे रखे हैं ना, उन सबके ऊपर जो नीली वाली पन्नी मैंने डाल के रखी है, देख रहे हैं आपसे भी थोड़ी सी दिख रही है, तो ये वाली पन्नी के ऊपर ना सुबह जब मैं उठती हूँ, तो जहाँ जहाँ पे मतलब गड्ढे से हो जाते हैं पन्नी में, वहाँ वहाँ पानी ढेर ढेर सारे भरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बारिश के पानी भरे हैं। तो उन सबको मैं सुबह निकालती हूँ, हटाती हूँ, तो कपड़े हम निकालते हैं, इतनी ज़्यादा ओस पड़ रही है। और जो हम लोग कल शाम को आए थे दावत खा करके, तो ये कपड़े मैंने धो दिए, और बच्चों को भी धोने थे क्योंकि इधर उधर फैले थे, तो फिर इन सबको साफ़ करना चाहिए। तो मैंने कहा धो करके साफ़ करके रख देती हूँ, नहीं तो घर में टांगे टांगे और ज़्यादा मैले हो जाएंगे। घर में काम चल रहा है तो घर में क्या, छत पे ही पड़े रहते, घर पे नहीं छत ही पे रहता, तो इसीलिए मैंने इन सबको साफ़ कर लिया है अभी। और मुझसे ना बहुत जनों ने पूछा है कि दीदी आप लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करती हैं क्या, जो राइट वाला हैंड है वो आप, मैं बहुत कम देखती हूँ आप सभी आपको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे है मेरे पास बाबू, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मचा रहा है शोर मेरा बदमाश बेटा जो है ना, ये मुझे ठीक से वॉइस ओवर भी नहीं करने देता है वीडियो में। तो हाँ, मैं ना लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करती हूँ। सही पकड़ा आप लोगों ने, लेफ्ट वाले हैंड से मेरी आदत है, मैं हमेशा से लेफ्ट वाले हैंड से ज़्यादा काम करती हूँ, राइट हैंड से कम। अच्छा, ये तो है जो लिखने पढ़ने वाली चीज़ें है ना, ये मैं राइट वाले हैंड से कर, इतना तो अच्छा हुआ कि मैं ये वाले हाथ से सीख ली हूँ, वरना पता नहीं। मैं कभी कभी मम्मी से बोलती हूँ, मम्मी यहाँ जाती हूँ तो मम्मी से बोलती हूँ कि अच्छा हुआ मम्मी आपने मुझे कम से कम ये वाले हाथ से लिखना पढ़ना तो सिखा दिया। काम तो यही हाथ से करती हूँ, कुछ कुछ काम मतलब मैं दोनों हाथ यूज़ करती हूँ, कुछ कुछ काम ये वाले हाथ से कर लेती हूँ, कुछ काम ये वाले हाथ से कर लेती हूँ। जैसे बर्तन धोना हो गया ना, तो बर्तन धोने का मेरा लेफ्ट हैंड होता है, राइट हैंड से मैं नहीं कर पाऊँगी। कुछ अगर हो गया, मेरी हाथ में लग गया, तो सोचो ये वाले हाथ से कर लूँ तो कभी नहीं कर पाऊँगी, और ये वाले हाथ से खूब आराम से कर लेती हूँ। तो अभी मैं उबाल रही हूँ दूध, ये मैंने दूध आधा निकाल करके रख दिया है और आधे में डाल दिया है मैंने पानी, तो उबाल करके रख दिया है। और इसको ले जा करके जाली में रख दूंगी, थोड़ा सा निकाल लूंगी अभी बाबू को पिलाने के लिए। ये जो मैंने आधा निकाल लिया है ना, इसको शाम के लिए रखी हूँ, और जो अभी उबाल रही हूँ, वैसे अभी बाबू दाल चावल ये सारी चीज़ें खाता है, थोड़ा बहुत बिस्किट भी खाना उसको पसंद है, खाता है। लेकिन 2-3 दिन जब इसके बुखार आ गया था ना, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब चिड़चिड़ा सा ओ हो गया था, दोस्तों, तंग करने अभी लग है गया था। दोपहर का समय, दोपहर के 1:30 बजे हैं, 1:30 करीब करीब। अभी यहाँ सीढ़ी के पास खड़ी हूँ, देखिए यहाँ पुट्टी हो चुकी है, ये वाली दीवार कर दिए हैं बाबा पुट्टी, और ये वाला रूम कर दिए हैं, दोनों रूम हो गया है पुट्टी, और ये जो सीढ़ी के पास है ये भी हो गया है। उस नीचे अभी करना है, ये देखिए इसके नीचे ना अभी करना बाकी है, तो वही कर रहे हैं। ए माही माही, बकरी मार पीटी है, देख अंदर चली आई, बकरी भगा। अरे पागल, बकरी अंदर घुसी, भगाए दे, भगा। तो अभी ना जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हूँ, मार्केट करेदा करेदा चौराहा जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे थोड़ा सा कुछ ले आना था, मॉइस्चराइजर वगैरह ये सब ले आने थे। मुंह ना बहुत सूखे सूखे से लग रहे हैं, और मेरी बिंदी भी ख़त्म है, तो वो भी मैं ले आऊँगी। रेड रेड मैं ज़्यादा रेड लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं हमेशा रेड ही लगाती हूँ, तो वो ख़त्म है। तो कलर वाली ली थी मैंने, जितना उसका रेड रेड था अब मैंने ख़त्म कर दिया, और सब ऐसे कलर की बची है, तो मैंने सोचा अभी जाके एक ले लेती हूँ उसको भी। और कुछ सामान लेने थे, बच्चे हैं नीचे वही चिल्ला रहे हैं,
तो देखिए जाती हूँ अभी क्या क्या लेके आती हूँ। इनको मैंने बोला था कि चलिए चलते हैं, कुछ काम भी है। और कल है बाबू का बर्थडे, और हमारी ना एक जगह दावत भी है, बाबू का बर्थडे भी है। तो हम सोच रहे हैं बाबू का केक कटिंग कर दे, और केक कट करके 12 बजे रात के, आज हम लोग रात में सोच रहे हैं केक कटिंग करने को, मतलब बाबू से केक कटवा के फिर हम लोग कल सुबह चले जाएंगे दावत। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बस ऐसे ही सोच रहे हैं, ऐसे ही बोल रही थी मैं इनके पापा से, इन्होंने भी यही सब बोला था, लेकिन अभी नहीं पता है। केक मिल जाता है हमारे यहाँ जो मार्केट में मैं जा रही हूँ ना, यहीं पे, और हमेशा वहाँ में जाती रहती हूँ, 2-3 बार आपकी तो खाई भी हूँ ना वहाँ जा करके, तो वही जा रही हूँ। और मैं ना थोड़ा सा मन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर से कुछ अजीब सा लग रहा है, एक डर डर सा लग रहा है, पता नहीं, मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती उस बात को। होता है ना सबके साथ कोई ना कोई ऐसी बातें होती है जिसे हम सबके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कैसा मुझे लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो अभी जा रही हूँ मार्केट इन्हीं के साथ, बाबू खेल रहा है नीचे, पता है ना कभी कभी मन ठीक नहीं रहता है, कुछ कुछ ऐसी बातें होती है ना जो दिमाग में मतलब घूमती रहती है, हम कितना भी भुलाने की कोशिश करें भूलता नहीं है। और ऐसी बातें भी है ना जो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती चाह के भी, थोड़ा सा मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा मन कर रहा है सो जाऊं। अरे मुझसे ना किसी ने कहा है दीदी सरसों का चने का साग बना के शेयर कीजिए, तो बनाऊंगी आप सभी के साथ बहुत जल्दी। हमारे गांव में ना ये सरसों और चने का साग बहुत लास्ट में होता है, मतलब सारी फसल पीछे की जाती है। मम्मी के यहाँ हो गई होगी, तो मम्मी के यहाँ भी मुझे जाना था, नहीं जा पाई, और मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा दीदी आप गाँव की भाषा बोला करो अच्छा लगता है। और किसकी किसकी कुछ कुछ शिकायतें होती हैं, किसी किसी की कुछ कुछ बातें होती है जो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मुझसे वो आप सभी की बातें करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मुझे किसी ने कहा था दीदी आप हाँ कभी रिप्लाई नहीं करती हैं, तो रिप्लाई करूँगी बहन, थोड़ा सा ना अभी तक अभी मैं फ्री हूँ, बिजी उजी कुछ भी नहीं हूँ, ये जो पुट्टी का काम चल रहा है ना ये तो है थोड़ा बहुत, जिस दिन पेंट होगा ना उसी दिन कपड़े वगैरह नीचे से हटाने पड़ेंगे, उसी दिन काम होगा, बाकी जो पेंट वाले बाबा है ना वो खुद ही करते हैं। तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, तबीयत ठीक है, मुझे भी वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा 1-2 दिन के लिए सुस्त हो गई थी, मुझे बुखार नहीं आया था, मुझे चक्कर आ रहा था और सर दर्द हो रहा था वैक्सीन लगवाने के बाद, और मन ठीक नहीं है, अजीब सा लग रहा है आज मुझे खुद ही, ऐसा कर रहा है किसी से बातें ना करूं, लेकिन आप सभी से बातें ना करूं, कुछ शेयर ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बस इसीलिए बहन, और कोई बात नहीं है, अब मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करा करूंगी कि रिप्लाई करूं। हाँ जिस समय वीडियो अपलोड करती उस समय नहीं कर पाती हूं रिप्लाई, शाम को बच्चे हैं तो 11 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो फिर उस समय मेरा बर्तन धोना झाड़ू लगाना ये होता रहता है, फिर शाम फिर कुछ ना कुछ बच्चों के साथ कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। जब शाम को लेटती हूँ ना पहले आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, और फिर क्या करती हूँ उस समय एडिटिंग करती हूँ, एडिटिंग करके सोती हूँ सुबह के लिए, ताकि मैं वीडियो सुबह उठ गई एक बार ना तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता है, अगर रात के टाइम एडिटिंग ना करूँ तो फिर कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस यही बात है यार, और कोई बात नहीं है कि आप लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन हाँ मुझे आप सभी के जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर देने में अच्छा लगता है, कभी कभी भूल जाती हूँ ना दिमाग, आपके आप लोगों के जैसे ही हूँ, मुझे भी इतना सारा काम होता है, आप लोगों से अलग थोड़ी ना हूँ, कुछ तो ना हूँ। बर्गर खाना है क्या तुमको, आज तेरे की बर्गर वाले आज दुकानें नहीं लगाए, ओ भाई बाप रे, रोने वाले इसमें कौन, बर्गर वाले दुकान नहीं खोले रहे बिटिया, दुई पन्नी में समोसा, अरे बाप रे, हटो बैठने दे, प्लेट लाओ हम निकाली, प्लेट लाओ हम निकाली। तो अभी मैं मार्केट से आ चुकी हूँ, और मेरी सोना आ भी दिया, मेरा कत्ता तोड़ तोड़ मीठा आगे तक
चाची ने मेरे ले ली, फिर भैया दिलाते थे और लला दी। मेरा खट्टा खट्टा था एकदम। हमने इसे तोड़ा दी थी। परेशान न किया करो बिटिया, अपनी मानसी तुमको बहुत मारेंगी, समझ लेना। ये देखिए दोनों बहनें निकाल रही हैं जलेबी। ये फेवरेट आपको खाना वाली है। हाँ ये अभी के अभी आ जाइए खाने के लिए। और समोसा निकाल लो, इसको भी प्लेट में। पापा को बुला लो, पापा को भी। ये दो डिब्बी लाई हूँ क्रीम। समोसा टूट गया और टूट गया है। फिर से बोल दो, सब लोग नहीं सुने। मेरी मम्मा बिल्कुल है। जो इनको जलेबी ला दी, इसीलिए जलेबी समोसा। हम गाना गा रहे, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। मानसी करी, तुम चांद वाला मुखड़ा लेके बाजार में गई थी? चांद वाला मुखड़ा लेके बाजार गई थी बिटिया? समोसा अच्छा, जलेबी अच्छी ना? हाँ। सबको तुम लोग पूछी नहीं हो? लीजिए समोसा और जलेबी खा लीजिए। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, फिर आप सभी से बातें करते हैं। थोड़ी सी जलेबी लाएंगे। इतना बहुत बिटिया, ज्यादा मीठा नहीं खाते, दांत सड़ जाते हैं मीठे से। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 4 और हम लोग बैठे हैं, जा रहे हैं बनाने के लिए चाय। और ये हाँ, और ये मैं मंगवाई थी। देखिए हम क्या लगाने जा रहे हैं। मम्मा तरह वो गई थी मार्केट ना, तो ये बिंदी लाना भूल गई थी, तो अभी यहाँ गांव के दुकान से मंगवाई थी। हम मम्मा का लगाने जा रहे हैं, तो हम ये वाला बदले हैं अभी, ताकि मेरा अच्छा है रेड। तो आज के ब्लॉग को यही पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के ब्लॉग में। मैं भी लगा ली। ये देखिए सब बने हैं दादी अम्मा। ऐसा लग रहा है मैं टीका लगा। ये देखिए ये भी लगाने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मैं टीका लगाई हूँ। ये कौन सा कलर लगाई? पीला लगा, पिंक कलर, येलो कलर। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों। नमस्ते। कल आइएगा जरूर। और वीडियो को क्या करिएगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन।